प्रमोद जी आप गाजियाबाद से हैं मेरे पास। अच्छा आप मेरे पास ट्रीटमेंट ले रहे हो 21/8/2020 से, मतलब लगभग जो है 2 महीने हो गए। अच्छा आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत थी और आपका कहना ये था कि तीन तीन दिन भी आपको पेट साफ नहीं होता था और लगभग 4-5 साल से या ज्यादा सात आठ साल से और साथ में जो है घबराहट होती थी। तो इस बीमारी के लिए आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया था? ट्रीटमेंट कराया था सर, अच्छे डॉक्टर को दिखाया यहाँ पे कोलंबिया एशिया में फोर्टिस में काफी जगह दिखाने, तो ये सोच रहा था सर कि आप में सही कर ली बीमारी से। मतलब आपने बड़े बड़े हॉस्पिटल में दिखाया, चेकअप कराए, लेकिन आपको लाभ नहीं मिला कोई, कुछ नहीं मिला और आप इस मुकाम पे पहुंच गए पेट की समस्या कि आपने कहा कि मैं आत्महत्या कर लू। बिल्कुल। और वजन आपका? वजन सर बहुत कम होता चला गया। वजन कितना था? 70 किलो वजन था, 55 किलो वजन। 70 से 55 आ गया। और घबराहट खूब होती थी? घबराहट होती थी सर, और कबजी बहुत ज्यादा बनती, कबजी बहुत ज्यादा थी। तो आपको हमारे बारे में कैसे पता लगा? सर मैंने ऑनलाइन देखा आपके बारे में, ऑनलाइन देखा है ना, आप मेरे पास आए, अब 2 महीने हो गए। प्रमोद अब कैसे हो आप? आ रहा हूँ सर बहुत ज्यादा पहले से। कितना आ रहा हूँ? 80% 90%? हाँ जी। कितना है अब? रोज पेट साफ होता है? हाँ जी। घबराहट का क्या हाल? घबराहट सही है। बिल्कुल ठीक है। अब वजन तो नहीं कम हो रहा? बाकी वजन तो कम नहीं हो रहा। बाकी अब ये बताओ मुझे एक बात कि मैं मतलब आपके माध्यम से मैं सबको जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको बताना चाहूंगा कि देखिए ये प्रमोद हैं, गाजियाबाद से हैं, 7-8 साल से पेट की तकलीफ से थे, इनको कॉन्स्टिपेशन रहता था, डाइजेशन ठीक नहीं होता था और ये कंडीशन हो गई थी कि घबराहट और लगातार गिरते वजन के कारण इन्होंने कहा कि मैं आत्महत्या करने की सोच रहा था। अब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इनको 2 महीने का मैंने दिया अपने आयुर्वेदिक मेडिसिन, बड़ी सिंपल सिंपल मेडिसिन जिसमें सुप्रज्ञा अर्क भी दिया इनको, अथलीफ सिरप दिया, अथलीफ टैबलेट दी, अग्नि प्रभा टैबलेट दी, तो ये सब दिया, अथगोल हमारा पेट साफ का पाउडर अथगोल आता है, तो ये सिंपल मेडिसिन दी और आज 2 महीने बाद ये व्यक्ति बैठा हुआ है जो कह रहा है कि मैं ठीक हूं। तो मेरा इस तरह का वीडियो बनाने का केवल ये मकसद होता है कि आपको अपने ज्ञान चक्षु खोलने हैं कि केवल एलोपैथी नहीं है इस दुनिया में, कि आपको अगर कोई तकलीफ है तो आप एलोपैथ में ही स्टक होकर रह जाएं। एलोपैथ एक बहुत ही मैं कहता हूं कि लाइफ सेविंग एक हमारी जो है चिकित्सा पद्धति है, पूरे विश्व को उसने संभाला हुआ है, लेकिन आप ये मत समझिए कि अगर एलोपैथ में आपको लाभ नहीं मिल रहा तो दैट इज द एंड ऑफ गेम, ये आपकी एंड ऑफ लाइफ है, ऐसा नहीं है। आपको और कम से कम पेट की तकलीफ के लिए तो मैं कहता हूं कि एलोपैथ में आप इमरजेंसी में तो जाएं, समझ में आता है, और अदरवाइज आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएं। और इमरजेंसी के बारे में भी मैं पहले बता चुका हूं कि पेट दर्द हो तो हमारी एक खुराक से आराम आता है, उल्टी हो रही हो तो हमारी पहली खुराक से रुकती है, दस्त हो रही हो तो हमारी पहली खुराक से रुकते हैं, तो कौन सी इमरजेंसी ऐसी है जो आयुर्वेद अटेंड नहीं कर पाते और एलोपैथिक कर पाते हैं? तो इसलिए प्लीज आपको अपने ज्ञान चक्षु खोलने हैं और इस कंडीशन से बाहर आने के लिए आप अगर पहले एलोपैथिक में जाना चाहते हैं आपका विश्वास है जाइए, लेकिन दूसरा मौका आयुर्वेद को जरूर दीजिए। अगर आयुर्वेद से नहीं होता होम्योपैथ से जाइए, होम्योपैथ से नहीं होता यूनानी पे जाइए, यूनानी से नहीं होता सिद्धा पे जाइए, सिद्धा से नहीं होता तो योग कीजिए। कहने का मतलब यह है कि एक पद्धति को ही पकड़ करके और अपने जीवन लीला समाप्त करने जैसा निर्णय लेना मूर्खता है। ज्ञान चक्षु खोल के और बहुत सारी पैथी है, पता नहीं किसको कौन सी पैथी सूट करती है, तो आपको जो है और पैथियों को भी पूरे सम्मान की दृष्टि से देख करके उनका लाभ उठाना चाहिए।